नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। हरियाणा विधानसभा चुनाव जिसकी रणभेरी इस समय बज चुकी है, संभावित उम्मीदवारों ने अपना प्रचार भी शुरू कर दिया है। चुनाव के दौरान सिरसा डेरा की हमेशा से महत्वपूर्ण भूमिका रही है। राजनीतिक दलों के लोग चुनाव के दौरान डेरा प्रमुख का आशीर्वाद लेने के लिए हमेशा आते रहे हैं। फिलहाल डेरा प्रमुख रोहतक की सुनारिया जेल में सजा काट रहे हैं। सिरसा डेरा सच्चा सौदा भी चुनाव के दौरान अपना दमखम हमेशा दिखाता रहा है। इसी कड़ी में सिरसा में आज डेरा सच्चा सौदा की जिला स्तरीय नाम चर्चा का आयोजन एक निजी पैलेस में किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में डेरा प्रमुखों ने शिरकत की। वहीं आपको बता दें कि डेरा सच्चा सौदा के राजनीतिक विंग के मेंबर रामपाल ने बताया कि डेरा सच्चा सौदा एक सर्व समाज धार्मिक संस्थान है और यहाँ किसी भी धर्म और समाज से जुड़े व्यक्ति के लिए मना ही नहीं है, लेकिन अभी तक किसी भी राजनीतिक पार्टी से उन्हें कोई भी मुनाइंदा नहीं आया है। और वहीं पर जो कोई भी व्यक्ति डेरा से जुड़ा हुआ है वो अपनी मनमर्जी से अपने वोट का इस्तेमाल करेगा, उसे किसी तरह का कोई आदेश नहीं दिया गया है। वहीं डेरा प्रमुख की पैरोल पर पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि फकीर की तरह और फकीर की मर्जी होती है तो वो सब कुछ अपनी मर्जी से करता है, इसमें किसी का कोई जोर नहीं। आप देख रहे हैं पल पल सिरसा से ये विशेष रिपोर्ट। की कोई मीटिंग बुलाएगी भविष्य में संगत से विचार किया जाएगा उस विषय में? अब तक सर ये तो अभी टाइम पड़ा है, अभी टाइम कुछ नहीं फिक्स कर सकते। जिस तरह पहले राजनेता डेरे में आते रहे हैं तो क्या अब बातचीत कोई आ रहे हैं या आने का कोई संभावना है या कोई बातचीत हुई है? अभी मेरी जानकारी में कोई नहीं ऐसा। बाकी डेरा सच्चा सौदा हर धर्म जाति हर पार्टी हर कैंडिडेट हर व्यक्ति के लिए खुला है, कोई भी आ सकता है डेरे में। जैसा कि वोट का अधिकार जो एक अपना मत देने का अधिकार होता है, ऐसे में क्या डेरा किसी को प्रतिबंधित नहीं करेगा? नहीं, प्रतिबंधित नहीं, सारे प्रेमी एकता में हर कार्य करते हैं। 134 मान का भाग के कार्य चल रहे हैं, तो अगर बीच में कोई भी कार्य तो मिलजुल के ही करते हैं, सर्वसहमति से करते हैं सारे। डेरा सच्चा सौदा ने पिछली दफा जब अपना समर्थन दिया एक एफिडेविट लिया गया था कुछ नेताओं से, तो अब पूरा 5 साल बीत गया है, उसी पहले दिए गए थी, तो क्या उस एफिडेविट पे वो नेता खड़े उतरे? हाँ, बहुत सी चीज़ों पे ऐसा हुआ है और बाकी सारा विचार किया जाएगा इस बात पे कौन कितना कितना खड़ा उतरा। इस बार भी एफिडेविट लिए जाएंगे नेताओं से, भैया नागरिकता के काम करने वालों को भी वोट दिए जाएंगे। अच्छाई के कार्य करेगा और संगत जिसको चाहेंगे कि ये पूरी मानवता के लिए देश के लिए अच्छा है, संगत कभी गलत फैसला नहीं लेती, तो हमेशा देश हित में फैसला लेती है। एफिडेविट लिए जाएंगे, एफिडेविट भी लिए जा सकते हैं। कितने संतुष्ट है आने वाला समय ही बता देगा, मेरे अकेले मेरे की क्या बात है। हरियाणा पार्टियाँ अंदरूनी तौर पर प्रचार भी कर रही हैं कि डेरे का समर्थन हमें है, अभी कह रहे हैं, अभी इसके बारे में आपका क्या कहना? ऐसा कुछ नहीं है, किसी को कुछ नहीं ऐसी बात हुई, तो वैसे अपनी मर्जी से कोई कहता रहे तो किसी की जवान पर पकड़ नहीं सकते। तो किसी को तो समर्थन नहीं है अभी फिलहाल? डेरा का किसी को डेरे ने किसी के पक्ष में कुछ नहीं कहा। सर ऐसे संत रामपाल अंदर चले गए, बापू आसाराम अंदर चले गए, संत गुरु का महंत अंदर चले गए, ये सारे क्या सीन मानते हैं? ये कोर्ट की प्रक्रिया है और 100% गुरुजी क्लीन चिट होकर आएंगे, 100% क्लियर आंदर चल रही है। कहाँ आपने हाई कोर्ट में हमने आगे लगाए हुए कंप्लीट है, अभी डेट नहीं दी गई है। कोई राजनीतिक तौर पर भी आश्वासन मिल रहे हैं? राजनीतिक का इसमें कोई होता ही नहीं, ये कोर्ट की प्रक्रिया है। कोर्ट पे हमें पूरा यकीन है कि कोर्ट हमें न्याय देगी। बीजेपी के कार्यों को आप किस नजर से देखते हैं? वो तो अब सामने ही आ जाएगा ना, सभी के सामने। आपने क्या इंकलाम किया? इंडिविजुअल तौर पे नहीं, अभी जब सारे वो होगा तो सबके सामने आ जाएगी सारी बातें, आपसे छुपाएंगे नहीं कुछ भी। आपने कहा कि न्याय प्रणाली पे हमें विश्वास है जी, तो पता नहीं जी एक दो बारी पेरोल के लिए अभी लगाई और विड्रॉ कर लेगी, उसके पीछे क्या कारण था? इसके लिए पेरोल के बैरोल क्या कारण मानते हैं? पेरोल के लिए वो मर्जी फकीर की मर्जी होती है, फकीर किसी का बंधा हुआ नहीं होता कि अगर आपा कहेंगे ऐसा करेंगे तो वैसा करेंगे, उसकी अपनी मर्जी होता है, मर्जी का मालिक होता है, जैसा वो चाहता है वैसा ही होता है।